जीवन से, जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, उससे ये बताना चाहते हैं कि जीवन जीने का एक और तरीका, एक और प्रणाली हो सकती है। Estamos a 180 kilómetros de la potencia militar y económica más poderosa del planeta। हम इस विश्व के सबसे शक्तिशाली आर्थिक जो पावर है उससे सिर्फ 90 मील दूर पे रहते हैं। El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica nunca ha podido doblegar al pueblo de Cuba। लेकिन अमेरिका की सरकार कभी भी हमें इस स्थिति में नहीं ला सकती कि हमने घुटने टेक दिए। लेकिन ये संभव कैसे हुआ है? Somos apenas 11 millones de habitantes। हम तो सिर्फ 11 मिलियन की हमारी आबादी है। Ellos casi llegan a 400 millones। अब वो लोग 400 मिलियन की उनकी आबादी है। Pero no nos pueden vencer। लेकिन वो हमें हरा नहीं सकते। Porque tenemos la razón। क्योंकि हम सही रास्ते में। Porque somos un pueblo unido। और क्योंकि हमारा आवाम एकजुट है। Porque somos un pueblo que sabemos amar। और क्योंकि हम ऐसी आवाम हैं, हमारी जनता को प्यार करना आता है। Entonces, unamos todas nuestras fuerzas। इसलिए आइए हम सब लोग अपनी शक्ति को एकजुट करें। Para realmente poder luchar y crear un mundo más justo para todos। ताकि हम लड़ सके, ताकि हम संघर्ष कर सके, ताकि एक बेहतर समाज बन सके। Donde todos los hombres y mujeres tengamos los mismos derechos। जहाँ हर नारी और हर पुरुष का एक सा अधिकार हो। Donde un niño, no importa su color de piel, tenga el derecho de vivir con dignidad। जहाँ पे वो बच्चा उसकी कितना कलर, उसकी रंग चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसे जिंदगी जीने का पूरा अधिकार हो। En Cuba tenemos un hombre, un personaje histórico muy importante। क्यूबा में एक बहुत ही ऐतिहासिक शख्सियत है। Él se llamaba José Martí। उनका नाम है José Martí। José Martí era un hombre que luchaba por la libertad। José Martí ने हमारे देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। Pero también era un poeta। लेकिन वो एक कवि भी थे। Él trataba de enseñarnos a ser mucho mejor ser humano। और उनकी कविताओं में संदेश ये था कि हम किस तरह से बेहतर मानव बन सकते हैं। José Martí cultivaba una rosa blanca para su amigo sincero। José Martí अपने बेहतरीन दोस्त के लिए एक सफेद गुलाब उन्होंने चुना था। Pero era capaz también de cultivar la misma rosa blanca para su propio enemigo। लेकिन वो कहते थे कि यही सफेद गुलाब जो मैं अपने दोस्त के लिए रख रहा हूँ, वो मैं अपने दुश्मन को भी देने के लिए तैयार हूँ। Tenemos muchas cosas que aprender todavía। हमें बहुत सारी चीजें सीखनी हैं। Pero si vamos por ese camino, quizás podamos ver el futuro mucho mejor। लेकिन यदि हम जिस राह पे चल रहे हैं, उसकी